से पूछ रहे कि व्हाट इज योर सस्टेनेबल मॉडल मैं कहा है वो क्या होता है भाई मुझे सिर्फ एक चीज पता थी मैंने साफ सफाई करनी ट्रैक पे जाए बस बंदों को पकड़ पकड़ के तो जबरदस्ती मेंबर बनाया मैंने उस टाइम पे कि आप आ जाओ यार मेंबर बनो हमारे मेंबर बनो आपने उन गली में तो साफ सफाई कर दी हमारी गली में तो आया ही नहीं <laughs> हम वहाँ एक एक बंदा अच्छे अच्छे बैग लेके चला हुआ है हमारे स्पेस नहीं बचता है कि हम और एक आधा बैग कैसे लटकाए पहले जब मेरे दोस्त के साथ ट्रैकिंग पे जाता था तो सब लोग आते तो आइडिया वॉज टू जस्ट गेट ड्रंक बोन फायर लाउड म्यूजिक एंड गो बैक होम पार्टी बस इससे इसके बियॉन्ड मैंने किसी का विजन देखा ही नहीं किया <laughs> कर लो आप करो आप म्यूजिक सुनो पर उतना लाउडली मत सुनो आप पार्टी कर लो पर इतनी मत करो कि अगले दिन आपका चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे आप किसी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हम बैठे थे मैं अंशुल एक मेरा दोस्त है मैगी बोलते हैं उसको वही जो फोटोग्राफी करता था और उसकी गर्लफ्रेंड रितिका सो अब मैं मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है कहाँ होता है करता ही कौन है वो ही नहीं पता था मेरे को कि सी ए करता है कौन करता है तो हम बैठे तो पहले उन्होंने पूछा कि क्या नाम रखोगे आप पहले तो बताओ रितिका ने पूछा मुझे पहाड़गंज में बैठे वो एक सस्ता सा एक जगह मैंने ढूंढी हुई थी वहाँ वो सारा दिन बैठ के अपना काम करते थे मैं तो ऐसे घूम रहा था वही चाय कॉफ़ी ही पिला देते थे तो मैंने बोला हीलिंग हिमालयस कैसा लग रहा है तो उन्होंने बोला इससे बढ़िया नाम हो ही नहीं सकता उसके बाद दूसरा नाम कभी सोचा ही नहीं और जैसे उन्होंने पूछा तीन सेकंड में जवाब आया ये पता नहीं अपने आप ही आ गया फिर बोला नहीं नहीं मैं मैं उनको बोला नहीं मैं कुछ और लिखता हूँ ना मैंने चार पांच नाम लिखे बोला भूल ही जाओ यही नाम रखो इसके अलावा कोई नाम हो ही नहीं सकता अब ट्रैक रूट पर हम जा रहे हैं खीर में वहाँ पर ग्रुप में बता रहा था एक दस बारह लोगों का ग्रुप चला हुआ था वहाँ पर एक कंपनी का बंदा था उसने पहली बार हमें काम करते देखा वो एक कंपनी का सी हेड निकला पहली डोनेशन उसने दी हमारे को मेरा मैं किसी को जानता ही नहीं मैं मेरे स्कूल इस वॉज दी ओनली ऑप्शन यू नो मेरे सर्कल का कि कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन था नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम नहीं किया तो मैं किसी को जानता ही नहीं तो स्कूल के जितने भी सीनियर्स हैं कर्नल ब्रिगेडियर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर सबके पास गया भी, कोई कुछ कर सकता है कोई कुछ वही बोल रहे इसको पता तो है नहीं मुझे इसको डोनेशन कहाँ दिला देंगे है ना मुझसे पूछ रहे कि वट इज योर सस्टेनेबल मॉडल मैं कहा है वो क्या होता है भाई बोला आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं इसमें आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे जिंदगी भर डोनेशन के ऊपर मैं कहा दैट आई विल फाइंड अलोंग द वे आई नीड योर हेल्प राइट नाउ इफ यू कैन डू इट प्लीज़ कम फॉरवर्ड अदरवाइज लेक्चर के मूड में मैं बिल्कुल नहीं ठीक है तो कुछ लोगों ने हेल्प की और फिर मैंने भी जैसे जैसे उन्होंने जो सवाल पूछे ना जिनके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं था मैंने भी नोट डाउन की कि भाई ये, ये चीज़ें होती हैं ये एक्सपर्ट लोग हैं मे भी इन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी मुझसे तो इनको पता है बट इसका एक एडवांटेज मुझे ये मिल गया मैंने जिंदगी में ना तो कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्टियर किया था उससे पहले ना मैंने कभी कब पार्टिसिपेट किया ना मैंने कोई कोशिश की कि मैं किसी कोई ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करूँगा ऑर्गेनाइजेशन का तो मेरे आइडियाज़ बड़े रॉ थे फेब्रिकेटेड कुछ नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम होता है ये स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से काम करना मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी मैंने साफ सफाई करनी ट्रैक पर जाके बस रिसोर्सेज की कमी भी नहीं थी कमी भी थी नॉलेज नहीं थी पर वो एक बिल्कुल रॉनेस थी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन तो क्या ही बोल उस टाइम पे तो कुछ था भी नहीं हम अकेले ही थे बंदों को पकड़ पकड़ के तो ज़बरदस्ती मेंबर बनाया मैंने उस टाइम पे कि आप आ जाओ यार मेंबर बनो हमारे मेंबर बनो सो so, अब वो सिचुएशन है तो जहाँ पे बंदों को पकड़ पकड़ के मेम्बर्स बना रहे हैं पकड़ पकड़ के वॉल्टियर्स लेके आ रहे हैं और अभी तो ये तो चलो एक तो मुझे लगता है दूसरा तीसरा स्टेप ये है क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी है ये तो क्या है वॉल्टियर्स मिल गए डोनेशन आ गई पर असली लड़ाई तब होती है जब सब कुछ आपके पास आ गया अब क्या करोगे आप आप मतलब वही रहोगे उसी हम्बल एटीट्यूड में रहोगे वही एक्शन ग्राउंड एक्शन आपकी प्रायोरिटी रहेगी या फिर आप जाके बड़े सारे लोगों मैंने देखा है दिल्ली दिल्ली में कोई ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं वो बोलते हैं हमने टीवी पे आना है अब हम डिबेट करेंगे वहाँ बैठ के डिबेट करने वाले बहुत लोग हैं ऑन ग्राउंड पे काम करने वाले नहीं हैं तो वो वैक्यूम जो है उसको ख़त्म करो ना मिलके वही तो दिक्कत है वही तो ब्रिज जो है उसको गैप करना है बट फिर वही सारा सीनेरियो चेंज हो जाता है शुरू शुरू में कभी कहीं सफाई के लिए जाते थे ना जैसे गांव के बीच से कचरा उठा रहे हैं गांव वाले ना सब मतलब खौफ से सोचते थे तो क्या कर रहे हैं मतलब नहीं था ना कि मेरे घर से मेरे घर से सामान तेरे इसमें इनका कुछ फायदा होगा ये उठा रहे फायदा मतलब वो तो पैसे के बाद तो पहले दिमाग आता है क्यों उठा रहे नए नए चौक

वहाँ पे उन्होंने साफ़ सफ़ाई की वापस गए और उन्होंने सिटी में भी कुछ किया उनके कमेंट में आ रहे हैं कि आपने उन गली में तो साफ सफाई कर दी हमारी गली में तो आया ही नहीं <laughs> मेरे कहा को कोई शायरी चल रही है <laughs> कि हमारी गली में आओ ये सब वो सब तो मैं लगा यार ये काम तो मेरे साथ भी हो सकता है यू नो लोग कल को बोलेंगे और हुआ भी एक बार मेरे साथ वो जो जिसकी मैं बता रहा हूँ पुलिस कंप्लेन वो बोलता है और तू क्या साफ सफाई करता है मेरे टेंट के पास तो अभी भी गंदगी पड़ी हुई है <laughs> तो अगली वार आना तेरे को मैं बताता हूँ तूने कैसे बोल दिया कि तूने साफ सफाई किए हम वहाँ एक एक बंदा अच्छे अच्छे बैग लेके चला हुआ है हमारे स्पेस नहीं बचता है कि हम और एक आधा बैग कैसे लटकाएं हम मलाना में गए हम मलाना मेरा हाथ ही पकड़ लिया बंदे ने गांव के बंदे ने बोला मेरे घर के बाहर तो कूड़ा है वहाँ तो उठा लो <laughs> बोलो दो सौ रुपये दूंगा मैं आपको तो मैंने कहा यार हाँ हाँ वह चलो चलते मैं क्योंकि इनकी समझ नहीं है वो उनको अलग ही दुनिया में रहते हैं मैं हाँ जी आओ बोला आप भी मैंने उसे आप भी करो बोला नहीं नहीं हम ये सब काम नहीं करते मैं कहता तो घर के सामने तो आपकी गंदगी पड़ी उसमें रह लोगे आप बोला वो कर लेंगे सांस सो नहीं करते हम हम तो वो हैं ऊँची हाँ जात वाले हैं या कुछ ऐसे उनका गंदा सिस्टम मुझे लगता है प्रायरिटी अगर किसी ने ट्रैकर बनना है तो फर्स्ट थिंग इज़ टू आई थिंक मेनली टू फॉल इन लव विद द माउंटेंस रेस्पेक्ट जो आप एक्सचेंज करते हैं पहाड़ों से वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए लोगों को नॉलेज नहीं मैंने यहाँ पे देखा हम लोग कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन के एक लिए एक दिन मनाली में रुको एक दिन दो दिन रुको उसके बाद आप हाई एल्टीट्यूड में ट्रैक के लिए जाओ लोगों के पास टाइम कम है सेकेंड सटे संडे छुट्टी है नहीं, दिल्ली नहीं। से बस पकड़ी शाम को सुबह पहुँच गए दस बजे बस स्टैंड में ओके सब कुछ अरेंज है रिबुकड है बढ़िया लंगर लगा है पहाड़ में सीधे कितना दिल्ली का सौ दो सौ मीटर होगा वहाँ से कैंप ऊपर जाके तीन हजार मीटर में फर्स्ट कैंप रात भर ट्रेवल किया थका आया और उस और उसने बारह चौदह घंटे में गेन कर दिया तो उतना उस टाइम में वो बॉडी उसका नहीं हुआ तो जिस स्पीड से वो उस पहाड़ में गया ना तो उस स्पीड से वो हॉस्पिटल को वापस आ रहा है तो एक आदमी के बीमार होने के बाद क्या हो रहा है कि उसके साथ दो सब लोग, लोग परेशान हो रहे हैं ना स्टार परेशान हो रहा और लोग भी परेशान हो रहे हैं क्या होता है जितनी रिसर्च हम करते हैं कि कौन सा बढ़िया होटल है कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है उतनी उसका टेन परसेंट रिसर्च हम इस पर करें कि अगर ट्रैवल करते हैं तो क्या सस्टेनेबल वेज हैं है ना लोकल कम्यूनिटीज़ को कैसे कम से कम डिस्टर्ब किया जाए सो दैट हमारा जो जो बर्डन उनके ऊपर क्रिएट हम करते हैं हमारी डिमांड्स का हाई ऑल्टिटी पर जाके कि अब मुझे ये भी चाहिए मुझे वैसा भी चाहिए मुझे ये फैसिलिटी भी चाहिए बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ में मैक्सिमम कैसे इन्जॉय कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए रदर देन कि हम कितना अपना जो इको एक सिटी का है वो हम एक रूरल एरिया में लेके जाते हैं और उसको थोपते हैं और उससे क्या होता है कि जब आप किसी फार फ्लंग एरिया में जाते हैं रिमोट पार्ट ऑफ द हिमालय में जाते हैं उस कम्युनिटी का एक्सपोजर जो बाहर से आ रहा है वही है स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो उन्हीं से देख के सीखते हैं पहली चीज़ क्या देखते हो इज़ कैरिंग है बूमबॉक्स है ना तो गाँव के बच्चे क्या डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें भी वो स्पीकर चाहिए क्योंकि ये तो सब लेके आ रहे हैं शहर में शहर में तो सब चल रहा है तो वो हमें भी चाहिए तो वो भी क्या है उस ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे वो अपने कम्युनिटी से अपने एरिया धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हालांकि जिसने इतना टाइम अपने गांव में स्पेंड कर लिया है दे ऑलवेज़ कम बैक टू द सेम कल्चर सेम रूट्स बट आपने बीच में जो टाइम इधर उधर चीज़ों में ख़राब किया वो दे माइट हैव है बेटर वे सो so, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बन के जाएँ किसी भी एरिया में रूरल एरियाज में खास कर है ना वो चीज़ जो है वो नहीं है कहीं पर भी ये एक ऐसा अचीवमेंट जो कि कोई कर नहीं पा रहा है या कोई करना तो नहीं चाह तो रहा है हाँ हाँ हा। तो उसी को मैंने अपनी ट्रॉफी मानना स्टार्ट कर दिया वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने का वो था कि हाँ भाई हमने ये कर लिया और ये कंपटीशन क्रिएट हो गया हमारे टीम में भी वॉलेंटियर्स में भी कि मैं ज़्यादा मैं देखता था कि वो बोलते थे मेरे को दे तो एक बैग मेरे को एक देख मैं दूर से देख रहा हूँ मेरे यार मैं कहा मेरे को ले लो बट <laughs> एनी anyway, तो पॉइंट ये था कि सब लोग आपस में इस लेवल पे आ गए थे कि सब कॉम्पीट कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए और ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा कूड़ा उठाएंगे और ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे उनको समझाएंगे तो वो कॉम्पिटिशन इतना हेल्दी लगता है मुझे अभी भी चलता है वो जैसे तो वो भी एक मतलब अलग ही फीलिंग होती है जब आप देखते लोगों को कि एक टाइम पे यहाँ लड़ाइयाँ हो रही है कि कोई आ नहीं रहा है एक लाइन पर ऐसी लड़ाई हो रही है कि मेरे को ज़्यादा गार भेज दो So, ये अचीवमेंट्स मानता हूँ मैं बाकी दिया मिर्जा क्लीनिंग क्लिन ड्राइव में वरुण दो ने वीडियो बना दिया रणदीप भुंडा ने रीट्वीट कर दिया वो बातें एक अलग स्पेस को टच करती हैं है ना उनका अलग इम्पैक्ट होता है बट इसको मैं एक्चुअल में अचीवमेंट मानता हूँ तो आप अपने स्पेस में रह के छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं इसमें हमारे इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है मैंने कौन सा पढ़ाई की है यार मैंने कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई रिसर्च थोड़ी ना की है मैं कोई स्कॉलर थोड़ी ना दूँ या इनवायरमेंट बैकग्राउंड से थोड़ी दूँ मैंने भी तो बुक्स उठा के पढ़े के और उसको सीख के और इम्प्लीमेंट ही तो किया है मैं आई कैन काउंट इफ आई कैन काउंट माई स्ट्रेंथ देन इट इज़ टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज विच आर इन द बुक्स एंड टेकिंग दैम ऑन ग्राउंड एंड यू नो एंगेजिंग कम्युनिटीज